नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी, बिजली के बिल माफी और एमएसपी दी, लेकिन भाजपा ने उन्हें लाठी डंडे और गोलियां दी। कांग्रेस ने जवानों को पक्की नौकरियां दी, लेकिन भाजपा ने उन्हें कौशल निगम और अग्निवीर जैसी ठेका प्रथा दी। कांग्रेस ने प्रदेश के युवाओं को खिलाड़ी बनाया, लेकिन भाजपा ने उन्हें नशेड़ी बनाया। कांग्रेस ने बेटियों को देश का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी बनाया, लेकिन भाजपा ने अपने नेताओं से उन बेटियों का उत्पीड़न करवाया। कांग्रेस ने व्यापारियों को इंस्पेक्टर और गुंडाराज से मुक्ति दिलाई, लेकिन भाजपा ने अपराधियों को संरक्षण देकर व्यापारियों पर गोलियां बरसवाई। कांग्रेस ने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और रोजगार देने में हरियाणा को देश का नंबर वन राज्य बनाया, तो भाजपा ने उसे बेरोजगारी, अपराध और नशे में नंबर वन बनाया। इसलिए 10 साल कांग्रेस और 10 साल भाजपा का कार्यकाल देखने के बाद जनता को दोनों सरकारों के कामों की तुलना करनी चाहिए और इसी आधार पर विधानसभा में वोट करनी चाहिए। चरखी दादरी से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारा हरियाणा कहाँ था, आज कहाँ है, और यही 30 मेरे दिल में है। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी, उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर एक था। आज 9.5 साल के बाद हम कहाँ पहुंच गए? आज हम हरियाणा किस चीज में नंबर एक है? आज बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, यह है। अरे जो प्रदेश जय जवान जय किसान और जो पहलवान के नाम से जाना जाता था, उस इन तीनों का प्रतीक ये इलाका है। मैं छोटा सा था, हिंदुस्तान का सबसे पहले कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था? दादरी का लीला पहलवान लेकर आया था। मैं, मेरे को मिलने आया था हमारे मेरे पिताजी को, मैं छोटा सा था, मेरे को याद है। अब जब कुश्ती होती है तो कौन, हमारी बेटियां पूरे दुनिया में नाम कमाती हैं, इस इलाके की बेटियां। जय किसान, किसान का कोई भी आवाज किसी ने दबाने की कोशिश करी तो यहां से आवाज उठी, मेरे को याद है, कादमा याद है, कादमा की मूवमेंट हुई, कोई भी ये हो किसान की आवाज उठाता है ये खिलाफ। जय जवान, जवानों का जैसे बताया कर्नल रघुवीर सिंह ने, सबसे ज्यादा जवान यहां के। लेकिन इस सरकार ने क्या किया 10 साल में? किसान के साथ क्या किया, जवान के साथ क्या किया, खिलाड़ियों के साथ क्या किया? किसान का देख रहे हैं आप, इन्होंने कहा कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, बार बार कहते रहे। खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, रोज बयान आते रहे, दिल्ली से बयान आते रहे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। नतीजा क्या हुआ? किसान की आमदनी तो दुगनी नहीं करी गई, इनसे लागत दुगनी कर दी, दुगनी से भी ज्यादा। याद कर लो 2014 में डीजल का क्या भाव था, कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है? अरे तो बिजली 10 पैसे ही उड़ कर गया था मैं, और सारा यहां आपका कर गया था, कितनी गहराई से आएगा, सब उस समय कर गया था, इनने तो कुछ नहीं किया, ये तो किसान का कर दिया। एमएसपी नहीं मिलती, एमएसपी गारंटी की बात करते थे, ये स्वामीनाथन की बात करते थे, कोई फैसला नहीं किया। किसान आज कर्जे में दब चुका है। आज 2014 में अगर देश के किसान पर 7 लाख करोड़ कर्जा था, तो आज 10 साल के अंदर अंदर आज देश के किसान पे 24 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। दब रहा है किसान, आमदनी नहीं बढ़ रही है। इसी प्रकार से जवान का देख लो आप, जवानों का जो है भविष्य अंधकार में डाल दिया, चाहे वो अग्निवीर हो। अरे 4 साल में
घर आ जाएगा, ना उसकी पेंशन, ना उसको मान, ना कोई सम्मान, घर आ जाएगा। यहां घर आ क्या करेगा भाई? पहले तो फौज में भर्ती होते छोरे के रिश्ते आने लग जाते थे, ईद कौन करेगा भाई? 21 साल से कम शादी नहीं हो सकती, 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल का घर आ जाएगा, कौन करेगा? ये परिस्थिति अग्निवीर बना दी। और हरियाणा में ये कौशल रोजगार निगम बना दिया एक, उसका क्या काम? भ्रष्टाचार का अड्डा, लूट की दुकान, ना तो पक्की नौकरी, ना पेंशन, ना मैरिट, ना रिजर्वेशन, ठेके पे नौकरी देते हैं, एक साल के लिए देंगे, दो साल भ्रष्टाचार की, दो महीने की भ्रष्टाचार में उसकी तनख्वाह ले लेंगे, एक साल के बाद घर भेज देंगे। हमने तो ठेकेदारी सिस्टम बंद किया था, ये सरकार को ठेकेदार बन के बैठ गई। ये जवानों के साथ किया, और खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ आपको याद, जिन हमारी बेटियों ने हमारा नाम दुनिया में ऊपर लेके गई, पहलवान बेटियां हमारी, जंतर मंतर में क्या सलूक हुआ उनके साथ, किस तरह घसीटी गई, आज तक भी न्याय नहीं मिला उनको। तो भाई ये किसके हैं? आप किसी का देख लो। मैंने कहा जैसे अपराध, देखो ये बात ठीक कह रहे हैं, पहले कोई साथी बोले, शायद मान साहब कह रहे थे कि 2005 से पहले भी अपराध की ऐसे ही थी, आज पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश कौन सा है? हरियाणा है। ये मेरे आंकड़े नहीं, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।